Hello and welcome back to Step by Step Study. I am Swati and let's get started with our chapter number 10. So chapter number 10 is Reaching the Age of Adolescence. We have covered the 9 chapters and in 9 chapters mein I have covered all the important parts, all the important question and answer. Agar aap un 9 चैप्टर्स को ही पढ़ लोगे और बुक पढ़ने की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज मैंने उसमें 100% सब कुछ कवर कर दिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर व्हाट वी डू फर्स्ट इज वी लर्न बेसिक टर्म्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. अब इस बेसिक टर्म्स को हम क्यों याद रखते हैं बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ वगैरह में आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली टर्म देखते हैं. द फर्स्ट टर्म इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं अपनी बॉडी का. सो यहाँ से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ अ बॉडी. सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड. और इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, इसको इसीलिए मास्टर ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है. सेकेंड आपका है डेफिनेशन थायरॉक्सिन. तो थायरॉक्सिन क्या है, आपका एक हार्मोन है जो आपके थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है. सो द हार्मोन सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड इज थायरॉक्सिन. फर्स्ट पीरियड जो गर्ल का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज मेनार्क मेनोपोज. मेनोपोज वो स्टेज होती है व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो इन द वुमेन बॉडी स्टॉप्स. जब आपके पीरियड्स वुमेन में स्टॉप कर जाते हैं उस एज को, उस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपोज. एडोलेसेंस, एडोलेसेंस स्टेज होती है आपके चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की. हार्मोन्स, हार्मोन्स होते हैं केमिकल रेगुलेटर्स दैट आर सिक्रीटेड बाय डक्टलेक्स दैट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड. जो एक तरीके के केमिकल रेगुलेटर्स हैं जो डक्टलेक्स ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड से. ठीक है, डक्टलेक्स ग्लैंड को ही हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं. प्यूबर्टी होती है द स्टेज वेयर बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. जब आपकी बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो दैट स्टेज इज नोन एज प्यूबर्टी. मूविंग फर्दर, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को पढ़ना. सो पहला है आपका फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग ग्रोथ. ऐसे कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ के टाइम में. सो पहला पढ़ते हैं कि वेरियस स्टेजेस जो होती है ह्यूमन ग्रोथ में वो कौन कौन सी होती है. सो पहली स्टेज होती है आपकी इन्फेंसी. इन्फेंसी के बाद आपका चाइल्डहुड, राइट. सो चाइल्डहुड आएगा, चाइल्डहुड के बाद आपकी आती है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बाद होता है एडल्टहुड. सो इन चार टर्म्स को हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स टेक इन्फेंसी फर्स्ट. सो ये जो इन्फेंसी स्टेज होती है इट्स अ स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 to 2 years ऑफ एज. सो जब आपका जन्म होता है दैट इज़ योर बर्थ से लेकर 2 साल तक, इस स्टेज को बोलते हैं इन्फेंसी या फिर जो आपका इन्फेंट बोलते हैं. इन्फेंट कौन सा होता है, बर्थ से लेकर 2 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं. सो इस स्टेज में जो है, इस पीरियड में जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. वो बैठना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, वो धीरे धीरे लोगों को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं, जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनको रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं. सो इन्फेंसी कब से कब तक होती है, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक. देन कम्स चाइल्डहुड. चाइल्डहुड की स्टेज होती है 2 साल से लेकर 12 साल तक. ठीक है, जब 2 साल का बच्चे से लेकर 12 साल का बच्चा होता है उसको बोलते हैं एज ऑफ चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो साइज़ में, वेट में, वो एक स्टडी रेट से ग्रो करता है. बच्चा इंटेलेक्चुअली, इमोशनली और सोशली भी जो है वो ग्रो करता है. देन वी कम्स टू एडोलेसेंस. एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंस या फिर हम कह सकते हैं प्यूबर्टी की एज भी होती है ये. द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. जो एक चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है हम उसको बोलते हैं एडोलेसेंस. तो इस पीरियड में, इस एडोलेसेंस पीरियड में, इस प्यूबर्टी पीरियड में जो आपकी बॉडी होती है वो एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेती है, राइट. सो द पीरियड इन लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इट्स इज़ नोन एज योर एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस कब स्टार्ट होती है, ये 11 साल के एंड में या फिर 11 साल से स्टार्ट कर जाती है और 18 से 19 साल तक होती है, 11 टू
18 से 19 इयर्स तक जो है आपकी एडोलेसेंस होती है, मतलब आपकी जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। एक गर्ल जो होती है उसमें रिप्रोडक्शन की एज वो कब अटेन करती है, जब उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। 11 इयर्स से लेकर 18 टू 19 इयर्स तक जो है मैक्सिमम गर्ल्स को पीरियड्स जो है वो आ जाते हैं, राइट। सो हर बॉडी इज़ रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। सो दो आपके जो सिंस द एडोलेसेंस पीरियड कवर्स द टीन्स, एडोलेसेंट्स आर यूजुअली कॉल्ड एज टीनेजर्स। एडोलेसेंट जो है उसमें टीन्स को जो है कवर किया जाता है, इसीलिए इसको टीनेजर्स भी बोलते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप के, उनको वी कॉल देम टीनेजर्स ऑल्सो। सो इस पीरियड में, इस टीनेजर पीरियड में जो आपकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो करती है और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बॉडी में देखने को मिलते हैं। सो इस इन चेंजेस दीज चेंजेस आर मार्क दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। और कब होती है ये प्यूबर्टी एंड, सो प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेस एट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे ही एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को रीच कर लेता है, ये प्यूबर्टी की एज ख़त्म हो जाती है। एंड द लास्ट स्टेज इज़ योर एडल्टहुड। सो ये सबसे मुश्किल होता है ये जानना कि हमने एडल्टहुड कब रीच कर लिया है। हम यही बोलेंगे जब आपकी एडोलेसेंस का जो है पीरियड एंड हो जाता है तो आपकी एडल्टहुड की बिगनिंग हो जाती है। इस टाइम में क्या होता है, हमारे पास सारा का सारा सिस्टम जो है बॉडी का वो अच्छे से डेवलप कर चुका होता है। हमने जितनी हाइट बढ़ानी थी वो हाइट बढ़ चुकी होती है, राइट। बट इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशल लेवल पे हम ग्रो कर रहे होते हैं, बिकॉज आपको भी पता है इमोशनल हम ग्रो करते ही रहते हैं बुढ़ापे तक भी। इंटेलेक्चुअल भी हमारा एक पर्टिकुलर एज है, तब तक पढ़ते रहोगे, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपकी होती रहेगी। एंड सेम विद सोशली, सोशली भी आप जो है ग्रो करते रहते हो। आई होप इट इज़ क्लियर। सो ये चार स्टेजेस हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ की, ह्यूमन बींग्स में, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। सो टर्म्स दैट यू हैव टू टर्म्स फर्दर एक्सप्लेन। सो ये मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी एंड योर एडल्टहुड, राइट। चेंजेस एट प्यूबर्टी, जब आपकी प्यूबर्टी होती है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं। पहला, इंक्रीज इन हाइट, फिर आपका इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेट एंड सेबेस्कस ग्लैंड, चेंज इन बॉडी शेप, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, फिर आपका डेवलपमेंट हो जाती है सेक्स ऑर्गन्स की और आपकी वॉइस में भी जो है चेंज आ जाता है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंक्रीज इन हाइट। सो क्या होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन हाइट ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। जो आपका प्यूबर्टी की एज होती है, इस टाइम में एक सडन इंक्रीज होता है हाइट में, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, राइट। जो उनके आर्म्स की लेंथ होती है और लेग्स की लेंथ होती है, बेसिकली वो बढ़ना का क्या मतलब होता है, जब आपकी हाइट बढ़ती है, वो हाइट बढ़ने का मतलब है आपकी जो बोन्स हैं वो बढ़ रही होती हैं, राइट। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स दे ग्रो। सो द पोर्टेबल ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ जो आपकी गर्ल्स में होती है वो किस तरीके से है, लेट मी टेल यू। देखिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाती हूँ आपके लिए। तो ये एज है आपकी, ये बॉयज़ हैं एंड दीज आर गर्ल्स। तो एज इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा सा ही मैं आपको बता रही हूँ, जब 8 साल का बच्चा होता है तो बॉयज़ में 72% तक जो है ग्रोथ या फिर हाइट आ जाती है, गर्ल्स में 77% हाइट जो है वो 8 साल की गर्ल जो है अटेन कर लेती है, 9 साल में 75% बॉयज़ की, 81% गर्ल्स की, 10 ईयर्स में 78% बॉयज़, 84% गर्ल्स। देन इसी तरीके से जो है आपकी जो 100% हाइट है वो 18 ईयर्स तक बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है अटेन कर लेते हैं, गर्ल्स में 17 ईयर्स तक 100% हाइट जो है वो अटेन कर लेती हैं। सो गर्ल्स की जो हाइट होती है वो बॉयज़ के कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, एंड देन धीरे 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 करके ड्रॉप होती है, बिकॉज जैसे ही उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में एक टच कर लेती हैं, तो उनकी ये जो हाइट कप सिस्टम है, हाइट ग्रो करने का, वो कम हो जाता है, राइट। सो अब इसमें क्या है, इनिशियली द गर्ल्स ग्रो फास्टर,
than the boys around 18 years of age. Both of them gain their maximum height. सो हाइट जो है इंडिविजुअल की वो डिपेंड किस पे करती है, क्या हाइट हम अपने आप से बढ़ा सकते हैं? नहीं, हाइट आपकी डिपेंड करती है सबसे पहला जो आपने जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं, दूसरा कि आपकी जो फूड हैबिट है ग्रोइंग पीरियड के टाइम में वो किस तरीके की है. सो ये इन दो चीज़ों पे आपका डिपेंड करता है. सेकेंड जो आपका चेंज आता है प्यूबर्टी के टाइम में, इट इज़ अ चेंज इन बॉडी शेप. बॉडी शेप में क्या चेंज होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी? बॉडी चेंजेस एट सर्टेन प्लेसेस. सो द चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. क्या होता है बॉडी शेप में, जो गर्ल्स में पेल्विक बोन्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, हिप्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रेस्ट दे स्टार्ट गेटिंग बिगर एंड लार्ज. दूसरा बॉयज़ में क्या होता है बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉयज़ के जो शोल्डर हैं वो बड़े हो जाते हैं, दे ब्रॉडन. बॉयज़ की मसल जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है मोर प्रोमिनेंटली देन गर्ल्स. मतलब गर्ल्स के कंपैरेटिवली जो बॉयज़ की मसल ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है. थर्ड चेंज जो आता है आपका प्यूबर्टी में, इट्स अ चेंज इन वॉइस. उस जब आपका प्यूबर्टी होती है तो जो आपका वॉइस बॉक्स है दैट इज़ लेरिंक्स, इट बिगेंस टू ग्रो. वॉइस बॉक्स जो होता है बॉयज़ में इट इज़ लार्जर देन इन गर्ल्स. ठीक है, तो आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो वॉइस बॉक्स है बॉयज़ में इट कैन बी सीन एज एडम्स एप्पल इन देयर थ्रोट. आप कभी भी लड़कों का थ्रोट देखना जो आगे से एकदम बड़ा हुआ होता है, ठीक है, गले के आगे हड्डी निकली होती है, तो उसी को आप वॉइस बॉक्स बोलते हो. और वॉइस बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल. इस थ्रोट में एडम्स एप्पल होता है, ठीक है. वॉइस बॉक्स जो गर्ल्स में होता है इट इज़ हार्डली विजिबल. गर्ल्स में जो वॉइस बॉक्स है वो हार्डली विजिबल होता है, बट बॉयज़ में वॉइस बॉक्स विजिबल होता है जिसको हम बोल देते हैं एडम्स एप्पल इन देयर थ्रॉट. बॉयज़ में जो वॉइस है वो आपकी डीप हो जाती है और हार्श हो जाती है, बट इन केस ऑफ गर्ल्स में क्या चेंजेस आता है वॉइस में, इट बिकम्स श्रिल या फिर हम कह सकते हैं हाई पिच्ड हो जाती है गर्ल्स की वॉइस. सो आई होप इट इज़ क्लियर. कुछ टाइम में मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि एडोलेसेंट बॉयज़ में जो वॉइस होती है वो हॉर्स हो जाती है. हॉर्स मतलब थोड़ा सा अजीब सी, ठीक है. वो किस वजह से होती है, जब हमारी मसल में एबनॉर्मेलिटी होती है ना मसल की ग्रोथ में, या फिर आपकी मसल में जब मसल ग्रोथ में एबनॉर्मेलिटी होगी तो वॉइस में भी जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है उसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है. बट ये चेंज टेम्प्रेरी होता है, कुछ टाइम के बाद वापस से जो है आपकी वॉइस जो है वो नॉर्मल हो जाती है. फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन दी एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेस्कस ग्लैंड. एक्टिविटी ऑफ स्वेट और सेबेस्कस ग्लैंड में इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि प्यूबर्टी में सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेस्कस ग्लैंड इंक्रीजेज. आपके स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन और सेबेस्कस ग्लैंड का इंक्रीशन या जो है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब ऑयल ग्लैंड का, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपका स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो आपकी प्यूबर्टी में आपको ज़्यादा पसीना आएगा. सेबेस्कस ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं हम, ऑयल ग्लैंड्स. तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, एक सेबेस्कस ग्लैंड है SEBACEOUS. सेबेस्कस को ही हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स. प्यूबर्टी में ये इंक्रीज कर जाते हैं, तो इसका मतलब है आपका कि जब आपके प्यूबर्टी होती है, आपका एडोलेसेंस होता है, टीनेजर होते हो, तो बहुत सारे पिंपल्स और एक्ने आपके फेस पे निकल आते हैं, तो ये इसी की वजह से होता है, बिकॉज सेबेस्कस ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. प्यूबर्टी के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में ये फंक्शनल हो जाते हैं. बॉयज़ में क्या है, जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं लाइक जैसे कि आपके ऑर्गन्स हैं टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, ये कम्प्लीटली डेवलप कर जाते हैं, ठीक है. टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाती है, बट इन केस ऑफ गर्ल्स जो ओवरीज होती हैं वो अब बड़ी हो जाती हैं, लार्ज करने लग जाती हैं. एग जो होते हैं उसमें जो एग्स प्रोड्यूस करती हैं वो इट बिगेंस टू मैच्योर. ओवरीज स्टार्ट टू रिलीज मैच्योर एग्स. ओवरीज जो हैं वो मैच्योर एग्स रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं. छठा पॉइंट क्या है कि रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी.
एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग. इस टाइम पे जो आपके पर्सन की वे ऑफ थिंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा जो है चेंज हो जाती है. इस टाइम में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है इसकी लर्निंग की ड्यूरिंग दी एडोलेसेंस. अगर इस टाइम में बच्चा बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और अगर इसका पढ़ाई में मन लग गया तो एकदम से लग जाता है, और अगर नहीं लगा और बाकी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत जल्दी जो है इस टाइम पे मन लगाता है. सो द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इट टेक्स प्लेस एंड द एडोलेसेंस जो है एडोलेसेंट्स दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम ऑन थिंकिंग, जैसे प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड ऑल दोज थिंग्स. तो इट्स एन एक्साइटिंग फेज ऑफ ग्रोथ. इस टाइम में क्या होता है आपका कि जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, वो एक एक्सेप्टेंस की और अंडरस्टैंडिंग की नीड को, यू नो, फीलिंग को वो एक वो फील करना स्टार्ट कर देता है. वो ऑपोजिट पर्सन के साथ, ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, और उसको इस टाइम पे कंपनी ऑफ फ्रेंड्स की भी ज़रूरत होती है. और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए इमोशनल टाइम कौन सा होता है, तो एक एडोलेसेंस ऐसी एज है जो कि सबसे ज़्यादा एक इमोशनल टाइम होता है. इस टाइम में जो आपके हॉर्मोन्स हैं जो आपके मूड स्विंग्स को क्रिएट करते हैं, सो इस टाइम में बच्चे को थोड़ा सा अच्छे से रखना चाहिए, बिकॉज इस टाइम में बहुत ज़्यादा जो है मूड स्विंग्स होते हैं बच्चे के साथ. ठीक है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग ज़्यादा आती है बिकॉज हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे माइंड में चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत होता है. आपके आसपास के बच्चे जब ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं, कम ग्रो कर रहे होते हैं, पीयर प्रेशर, आपस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस जो बच्चा डिस्कस नहीं करता, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी जो होता है ये इस टाइम में होता है. राइट, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स वो कौन कौन से होते हैं. द फिज़िकल फीचर्स विच हेल्प डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम फीमेल, उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स. मतलब कि ऐसे फिज़िकल फीचर्स जो मेल को फीमेल से जो है डिस्टिंग्विश करवा देते हैं, उसी को बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल. अब इसमें मेल्स में और फीमेल्स में इन दोनों में क्या फ़र्क है. मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके जो फीमेल से अलग करते हैं मेल्स को, वो कौन कौन से होते हैं. पहला, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, उनकी प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होती है, बियर्ड आ जाती है, मुस्टैच आ जाती है, छाती पे बाल आ जाते हैं, अंडर आर्म्स में बाल आ जाते हैं, राइट, जो कि गर्ल्स से उनको डिफर करते हैं. दूसरा, जो मेल की वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, सो इट डिफ्रेंशिएट्स देम फ्रॉम फीमेल्स. फीमेल्स को मेल से क्या डिफ्रेंशिएट करता है, जस्ट अ मिनट. सो फीमेल्स जो है उनके ब्रेस्ट और हिप्स जो है वो एनलार्ज कर जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं, एयर अंडर आर्म्स आ जाते हैं. सो ये सब चीज़ें फीमेल को जो है डिफर करवाती है इनसे. ठीक है, सो दीज आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स. और ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, ये चेंजेस आते क्यों हैं. दीज चेंजेस अकर्स इन एडोलेसेंस बिकॉज ऑफ दी हॉर्मोन्स. सो थैंक यू सो मच. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ. घर में रह के पढ़ाई करो अच्छे से. एंड विद दिस अ पार्ट वन ऑफ चैप्टर नंबर 10 इज़ कम्प्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, यू कैन मेल मी, और यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर. सो टेक केयर एंड गुड लक, कीप स्टडिंग.